तो दोस्तों मैं आई हूँ मायके और एकदम से मेरा प्रोग्राम बना आने। हेलो दोस्तों, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और सुबह का टाइम हो गया है, 11 बज गया है। 11 बजे से मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं क्या बना रही हूँ, हमारे घर में ना आम का पेड़ है, मतलब आम का पेड़ है करके बता नहीं रही हूँ आपको, आम का पेड़ है तो उसमें से गिर रहे हैं आम, तो अचार बना रहे हैं हम लोग। ये तो बर्बाद जाते हैं ना, चटनी भी बनाई बीच में, अब अचार बना रहे हैं। तो खाली क्या फेंके ना इधर उधर, फेंके नहीं, कोई ले जा नहीं रहा है अभी। तो इनने पंजी ने कल इसको काट कूट के अचार मेरे से बोला मसाले वसाले मिक्स कर देना, उनने कल सुबह काट दिया था। और मैं मसाले वसाले मिक्स कर रही हूँ, तेल मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे डिब्बे में डालूंगी। बाकी मैं किचन में आई हूँ अभी, दही आई जमाने, दही जमाती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और नाश्ता कर लिया, बच्चे गए हैं स्कूल, पंजी गए ड्यूटी, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू कर देती हूँ ना, 11 बज गए तो थोड़ा बिजी रह गई। तो आज सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ मैं, खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। और इधर मैंने ये मसाला इसमें मिक्स कर लिया है, पर आदमी इनको इस मसाले को मैंने आम में मिक्स कर दिया, और तेल भी थोड़ी देर में डिब्बे में डाल दूंगी मैं इनको। डिब्बे में मैंने भर दिया है अचार, आम इसमें भर दिया है, आम और मसाले वसाले से सब मिक्स करके, जैसा कि आपने देखा। तो मैंने इस जार में डाल दिया है, इसमें तेल डालूंगी थोड़ी देर में। तो पता है पंजी ने मेरे से बोला था मैं डालूंगा, तुम मड्डा, तो उनने बोला था मैं तेल डालूंगा, मैं खुद अपने हिसाब से इसमें डालूंगा तेल, तुम मत डालना, बस मसाले वसाले मिक्स करके इसमें रख देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी खाना मेरा बन ही रहा है, और थोड़ी देर में मेरा बच्चे को लाने का टाइम हो जाएगा। और बाहर लगी है बहुत भयंकर धूप, बहुत ही ज्यादा खतरनाक धूप लगी है। तो चलिए खाना भी बन ही रहा है, सिंपल सी खिचड़ी बना रही हूँ, चलो और काम करती हूँ। तो दोस्तों खाना तो बन गया है, और मैंने अचार भी डिब्बे में डाल दिया है, तो तेल ये आके डाल देंगे, और बस। और मैंने दही लता से मंगा लिया था, क्योंकि खिचड़ी के साथ दही चाहिए होता है, जो मैं दही जमाती हूँ वो सुबह जमाती, तो वो शाम तक जमता है, तो शाम के खाने के लिए होता है। तो दही मंगा लिया है, और खिचड़ी बन गई है। तो थोड़ा सलाद काटूंगी बच्चों को लाके, फिर खाना खाएंगे। बस थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मेरा बच्चे को लाने का टाइम हो जाता है यार। और बाहर इतनी धूप लगी ना, मन तो नहीं होता, पर क्या करें, बच्चों को लेने तो जाना ही है। तो दोस्तों डाल रहे हैं तेल अचार में, पहले बच्चों को लाएंगे, फिर खाना खा के फिर जाएंगे ड्यूटी। तो 1:30 बजने ही वाला है, और पंजी जा रहे हैं बच्चों को लेने, धूप है यार। तो मैंने कहा आप जा रहे हो, तो बोलते हाँ मैं जा रहा हूँ। तो चलो मेरा अच्छा हो गया ना, धूप में पैदल जाती हूँ यार बच्चों को लेने, वैसे नज़दीक ही है तो पैदल में तो कोई बात नहीं, इतना तो चलना भी चाहिए। तो दोस्तों बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और खाना मैंने बना रखा है सिंपल सी खिचड़ी और दही और खीरा। और कैसी हो रही खिचड़ी? आ रही हूँ। कैसी हो रही है? सही हो रही, अच्छी हो रही है, आए खाली कह देते हैं। तो ये दोनों तो खा रहे खाना, मैं सिर्फ सलाद खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, सलाद खा रही हूँ। तो यू भी है वॉशरूम में, तो अभी यू भी मैं साथ खाएंगे, और आई सॉरी ये साथ खा रहे हैं, खाना तो साथ ही खाते हैं, पर अभी यू भी वहाँ बैठा है, तो उसको समझ सकते हो आप। खाना खा लिया है, अब थोड़ी देर यू भी और मैं सो जाते हैं। चलो सो जाते, फिर यू भी ट्यूशन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आई हूँ मायके, और एकदम से मेरा प्रोग्राम बना आने का, क्योंकि यहाँ पे मम्मी और भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, तो बुखार था पहले, एक दो दिन से बुखार था, तो एकदम से तबीयत खराब हुई, मतलब चक्कर रख कर आया, तो दोनों की एक ही साथ हुई है। और बाहर भयंकर तूफान आया हुआ है, बस अभी पहुँच ही रही हूँ मैं, तूफान भी आ रहा था साथ ही साथ, तो पहुँच ही रही हूँ मैं। और चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर, चाय पीती हूँ पहले, फिर थोड़ा हेल्प वेल्प तो करूँगी ना मम्मी लोगों की, भाभी की, तो इसलिए आई, एकदम से प्रोग्राम बना, तबीयत खराब हुई तो एकदम से आना पड़ा। तो दोस्तों मैं मायके में बना रही हूँ रोटी, और नवादा ने बनाई है सब्जी, लौकी की सब्जी बनाई है, लौकी की, और मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भाभी और मम्मी दोनों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब मम्मी तो बाथरूम में ही बेहोश हो गई थी, चक्कर आके गिर गई थी नीचे बाथरूम में, और भाभी कल अपने कमरे में गिरी, मम्मी एक हफ्ते पहले गिरी थी, और भाभी कल अपने कमरे में गिर गई, मतलब चक्कर आके एकदम से गिर गई थी। तो इस उससे मैं एकदम से मुझे आना पड़ा अचानक से, क्योंकि दोनों की तबीयत खराब, तो खाना आना कौन बनाता, तो इसलिए मैं आई थोड़ा मदद करने,
बाकी रोटी बना रही हूँ ना, मैंने सब्जी बना ली थी। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में खाना खाने के बाद। तो दोस्तों खाना खाना खा लिया है हमने और बर्तन वर्तन भी धो दिए हैं, खाना खा लिया है। तो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, रात का बज गया 9:30 और सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो दादी और मम्मा की तबीयत खराब हो रही ना? हाँ दादी और मम्मा की तबीयत खराब हो रही, तो आराम से सो जाना। तो गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, बाय बाय। तो आज का ब्लॉग यही था। मेरे को अचानक से मायके आना पड़ा क्योंकि मम्मी और भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसलिए मैं मायके आई हूँ। और पापा को एकदम से, मतलब पापा बाहर का काम कर लेते हैं ना, गाय आय का, अंदर का वो नहीं कर पाते। और नवलदा थोड़ा बिजी है, उसका बिजनेस है तो वो थोड़ा बिजी रहता है, बाहर ही रहता है, तो शाम को आता है वो, इसलिए मैं आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दो दिन जाती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा मम्मी लोगों को। तो मैं फिर आके मैंने पहले चाय पी, उसके बाद रोटी वोटी बनाई क्योंकि नवलदा शाम को आ गया था, उसने सब्जी वब्जी बनाई। तो बस अर्जेंट आना पड़ा, मतलब परेशानी, तो मम्मी लोगों की परेशानी देखते हुए एकदम से आना पड़ा भाभी लोगों की। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय। बाय कर दो बच्चों, बाय बाय कर दो, बाय।